मसीह में आप सबको सलाम। काफ़ी लोगों का एक ही सवाल था कि मसीही गीतों में हम पीसिंग कैसे करें। तो यार, सबसे पहले तो होता है राग का जो सरगम पलटा है वो आप लोग अच्छे तरीके से करें। मकसद, आप कोई भी राग पकड़ते हैं तो आपको खुदा बहुत ज़्यादा बरकत है। मेरी यही कोशिश होती है समझाने की कि आप लोग अच्छे तरीके से सरगम पलटा, जब तक आपको ना आएगा, आपको नहीं पता चलेगा, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे। राग भैरवी, राग चंद्र कौंस, कोई सा भी आप राग छेड़े, बिन छड़े छेड़ लें, कोई सा भी राग छेड़ेंगे, जब तक आपको सारेगामा पादा निशा नहीं आएगा, आपको पता नहीं होगा आप पीसिंग कैसे कर सकेंगे। ठीक है, कि आपको पता भी होना चाहिए। सरे ग म प ध नि सा सा नि ध म म ध प म ग नि ध सरे ग म प ध म ग म प नि ध प ग म नि नि ध सा। ऐसे पीछे जाने से ना नि ध सा, ये राग मिश्र में एक बन जाता है राग चारों कैसे। अभी पीसिंग का जो है स्टाइल हर इंसान का अपना अपना होता है। अभी आप जो खुदामंद के फजल से करेंगे वो जो स्टाइल होगा वो आपका अपना होगा, जाती होगा। ठीक है, तो मैं तो मतलब कि बता ही सकता हूँ कि ऐसे आप कर लें, ऐसे आप कर लें। पूरा हारमोनियम होंदा तुहाडे कोल, पूरे हारमोनियम ते हाथ चलाओ तुसी, खुदा कितों ना कितों ते तुहाडी बांह फड़ लेगा। जिन्नी मतलब तुसी रियाजत करनी है खुदावंद ने ओना तुहानू फल लाउणा। लेकिन मसीह ये नहीं कहा कि तुसी गाणियां दी करो ते गाणियां दी ये काम मेरे को नहीं है। मैं मतलब मसीह दे विच ही तुहानू दस सकना ते इहदे विच ही मैं खुदावंद दे फजल नाल दसांगा तुहानू इस चैनल ते मसीह गीत नोटिशन ते। वीडियो असी जी है ना अलाप के बारे कर लाँगे, लेकिन जी गल है ना ज़्यादा मतलब कि असी किंज पीसिंग करिए, तो जो गीत गा रहे हो वो इसका सरगम पलटा करेंगे आप, मतलब रो अबरो में जाएंगे, खुदावंद के फजल से खुदा आपको उतना फल देगा। ठीक है, तो ये तो मतलब आज था ये इसके बारे में। अगर आप मतलब के अलाप के बारे में जानना चाहते तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।